दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज मंचर। उत्तर प्रदेश सरकार में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अगर सूत्रों की माने तो एक खेमा भाजपा की हार के लिए केशव मौर्य को जिम्मेदार ठहराना चाहता है। जी हाँ, केशव मौर्य को। केशव मौर्य कैसे जिम्मेदार हो गए? केशव मौर्य क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? केशव मौर्य क्या प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं? केशव मौर्य के कहने पे डीजीपी अपॉइंट हुआ है? केशव मौर्य के कहने पे मुख्य सचिव अपॉइंट हुआ है? या केशव मौर्य ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिलाधिकारी अपॉइंट किए हैं? ये एक नया तरीका हो गया है। मेरे सूत्रों की मानो माने तो ये जो गुट है, जो ये खबरें प्लांट करा रहा है अखबारों में, आप देखिए दैनिक जागरण क्या खबर लिख रहा है। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 66 से सिमट के 36 पे आ गया, जी हाँ 30 सीटों का नुकसान हुआ है। और जहां हर पोस्टर पे या तो मोदी की तस्वीर थी या मोदी या योगी की। और मेरे पास सूचना ये आई है कि इसके पहले जब रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे मीडिया वालों को ये भेजा गया था कि किस तरह से योगी ने मेहनत की है। ये मैं कंफर्म, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे गए हैं कि मीडिया वालों को भेजा गया था एक टीम के द्वारा कि आपको बताना है कि कैसे योगी ने माहौल बदला, एक एक जगह पांच पांच बार गए और मिशन 80 को उन्होंने कामयाब किया। ये भेजा गया था 3 तारीख को, जब 3 तारीख को छपने के लिए भेजा गया था। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आता है और जब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार जाती है, जी हाँ बुरी तरह से चुनाव हार जाती है, 80 लोकसभा सीटों में, जो 2000 पे वर्तमान स्थिति थी 2019 के चुनाव में वो 66 सीटों पे थी, वो घट के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 36 पे आ जाता है। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस 43 सीटों पर जीत हासिल करता है। और मजेदार बात, इस बार सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने वोट शेयर में भी, वोट परसेंटेज में भी, सपा कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 44% गया है और भाजपा 42.8 पर ही सिमट गई है। उसके बाद कल से एक खेल शुरू हो गया कि विलेन किसको बनाया जाए। तो देखिए तमाम तरह के लोग मैदान में उतार दिए गए हैं। और ठीक, क्या दैनिक जागरण क्या लिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपना अपना वो जिस गोरखपुर मंडल बचाने में कामयाब रह गए, और केशव मौर्य अपना किला मनी प्रयागराज मंडल बचाने में असफल हो गए। पहले ये बताया जाए कि कहां ये जिम्मेदारी दी गई थी कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखपुर मंडल के लिए जिम्मेदार हैं और केशव मौर्य प्रयागराज मंडल के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए इस हेडलाइन क्यों लिखवाई जाती है, क्यों? क्योंकि आप मुख्य मुद्दे पे बात ना करें। भारतीय जनता पार्टी इस वजह से उत्तर प्रदेश में हारी है। मैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा खुद करके आया हूं और मैंने कई बार बोला था कि इंडिया गठबंधन कम से कम 50 से ज्यादा जीत सीटें जीतने की स्थिति में दिख रहा है, और हुआ भी यही। विपक्ष ने 44 सीटें जीती हैं। मेरा जो आकलन रहा है वह लगातार कहता रहा हूं, आप मेरी पुरानी डिबेट्स जाके देख लीजिए, मैंने बार बार कहा था कि भाजपा 40 का आंकड़ा पार होते नहीं दिख रही है। ये मैंने जनवरी फरवरी से लगातार अपनी डिबेट्स में कहा है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं घूम के आया हूं। 3 बड़े मुद्दे थे भाजपा की हार के। एक तो सबसे ज्यादा नाराजगी अग्निवीर को लेकर थी, पेपर लीक को थी, और महंगाई और महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा था। और इस मुद्दे में आग में घी लगाने का काम किया अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने, जब ये कहा कि हमको 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। इसका नतीजा क्या हुआ कि लखनऊ के बाद जितने भी चरण हुए, चौथा पांचवा छठा सातवां, सब चरण में भाजपा लगभग साफ हो गई। तो बजाय इन, देखिए लल्लू सिंह नाम समझिए, लल्लू सिंह नाम समझिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्या है, क्योंकि एक जाति विशेष के नेताओं को बचाना है और पिछड़े और दलित नेताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, ठीकरा फोड़ना है, ये एजेंडा हो गया। दिन भर कल से चल रहा है। और सबसे सॉफ्ट सा टारगेट कौन है? केशव मौर्य। क्योंकि केशव मौर्य को सब जानते हैं
पूरे उत्तर प्रदेश में हर आदमी जानता है कि केशव मौर्य को सांठ काट करके सिराथू में हराया गया। कई लोग तो यहाँ कहते हैं कि इसमें एक महत्वाकांक्षी नेता के लोगों ने सपा के साथ डील करके वहां पे इस तरह के समीकरण किए थे कि केशव मौर्य सिराथू में हार गए। परेशानी क्या हुई, सिराथू हारने के बाद भी केशव मौर्य को केंद्रीय नेतृत्व ने बना दिया उप मुख्यमंत्री नागवार गुजरा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में तीन बड़े मुद्दे मैंने क्या बताए, अग्निवीर था, अग्निवीर क्या केशव मौर्य लाए, क्या ओबीसी समाज का दूसरा नेता जो और रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह लाए हैं, या जाट समाज के नेता जो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है वो आए हैं। अखबारों की कटिंग देखिए, इन अखबारों की हेडलाइन आम जनता जानती है कि कौन तय करता है। ये सारे अखबार उत्तर प्रदेश सरकार के अगर विज्ञापन न मिले तो इनमें से कई अपने बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं। समझिए कहना मैं क्या चाहता हूं, आप बुरी तरह से हारे हैं। इस पे मैं एक सबसे बढ़िया कमेंट आया है, एक अनिल तिवारी इंटरसेप्टर के नाम से ट्विटर हैंडल चलाते हैं, उनका ट्वीट में कंट्रोल रूम से कहूंगा कि लगाएं। अनिल तिवारी ने बोला है कि हारे कौन, हारा कौन, भीतर घात किया, पढ़िए आप, 2022 से साजिश हो रही है थी, अब बस करो पीआर की खबरें, जनता का फैसला मानो, पुराने ढर्रों की राजनीति अब समाप्त हो गई, अपग्रेड करें। देखिए साहब मैं लगातार बोलता रहा हूं न्यूज लॉन्चर में, मैं लगातार बताता रहा हूं कि क्या परिस्थितियां हैं। मैंने एक डिबेट भी एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा इस बार भाजपा को बहुत भारी पड़ने वाली है, और वही बात साध्वी निरंजन ज्योति ने, साध्वी प्राची ने आज कही है, और उन्होंने बोला है साफ साफ कि संगठन के कार्यकर्ताओं का कि अवहेलना, कार्यकर्ता घर बैठ गया, निराश हो गया। उन्होंने यहां तक कहा कि कार्यकर्ता 24 घंटे मेहनत किया, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, और मैंने अपनी डिबेट में भी कहा था कि पिछले चार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे उसके कार्यकर्ता थे। उन कार्यकर्ताओं को योगी सरकार के कुछ मंत्रियों ने, योगी सरकार ने और उनके अधिकारियों ने बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ता घर पे बैठ गए, और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में चार चुनाव जीतती आई, पांचवें चुनाव में हार गई। और कब हारी, समझिए कब हारी, वो हारी तब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद हार गई। क्यों हार गई, अयोध्या के हार के कारणों की सबसे बड़ी चर्चा जानते क्या हो रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में। मेरे कई मित्रों का मेरे पास फोन आया, अयोध्या की हार से पूरी एक सज्जन ने तो मुझसे फोन पे कहा कि भाई साहब 240 सीटें जीतने का कोई मतलब नहीं है अगर आप अयोध्या हार जाते हैं। और दूसरी सीट जो इन्होंने कौन हारी, हिंदू धर्म के लिए उत्तर प्रदेश में चार महत्वपूर्ण शहर हैं, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज, इनमें से दो आप हार जाते हैं और दो जगह आपकी मार्जिन कम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जो पिछली बार 4,70,000 वोटों से 2019 में जीते थे, वहां मात्र 1,52,000 वोटों से जीतते हैं, वहां 3,20,000 की मार्जिन कम होती है। और उसके बाद ये खेल शुरू हो जाता है, ये सेल। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने 38 नाम दिए थे, ट्विटर पे चल रहा, कुछ चैनल चला रहे हैं कि योगी जी ने 38 नाम भेजे थे, उन नामों पे को टिकट नहीं दिया गया। तब क्यों नहीं योगी जी ने विरोध किया, तब इन अखबारों ने क्यों नहीं लिखा। आज जो है बलि, आपको क्या है, देखिए मैं अखबारों की, मैं एक बड़े इंडिया टुडे समूह में 14 साल नौकरी कर चुका हूं, मैं जानता हूं कि मीडिया की स्थिति क्या है। अब वो सरकारी दबाव के आगे अगर नहीं मानेगी तो उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए ये लिखा जा, ये लिख नहीं रही लोग, ये लिखवाया जा रहा है। अरे भाई साहब आप बताइए ना, एक सज्जन लिख रहे हैं भाजपा का संगठन निष्प्रभावी रहा। अरे संगठन के पास कौन सी ताकत है साहब, उत्तर प्रदेश में संगठन के पास कौन सी ताकत है, सारे फैसले तो सेंट्रलाइज्ड हैं। मैं कई ऐसे मंत्रियों को जानता हूं जो एक चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, हर चीज का फैसला जो है या तो उनके प्रमुख सचिव लेते हैं या खबरें आती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय लेता है। तो भाई आज जब जब
जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो यहां से कई अखबारों में छपवाया गया था कि उस दिन रविवार को, यानी 3 दिसंबर की बात कर रहा हूं अगर मैं सही हूं, कि उस दिन नए आदित्य क्या उदय हुआ। आज अखबारों ने क्यों नहीं हेडलाइन लगाई कि योगी और मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से परफॉर्म किए। ये तो गजब तरीका हो गया है। चुनाव जीतेंगे तो मोदी योगी जिम्मेदार, चुनाव हार गए तो केशव मौर्य जिम्मेदार, स्वतंत्र देव सिंह जिम्मेदार और भूपेंद्र चौधरी जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में कोई भी महत्वपूर्ण विभाग किसी भी ओबीसी नेता को नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब जानते हैं, गृह मंत्री का चार्ज भी योगी आदित्यनाथ के पास है, स्वास्थ्य मंत्री का चार्ज किसके पास है, ब्रजेश पाठक के पास है, नगर विकास और बिजली किसके पास है, अरविंद कुमार शर्मा के पास है, पीडब्ल्यूडी किसके पास है, जितिन प्रसाद के पास है। सबका देख लीजिए, सबके सब या तो ब्राह्मण है या राजपूत है। आपने सारे महत्वपूर्ण विभाग तो दो वर्गों को दे दिया है। आप इस पे बात कीजिए ना, इस पे चर्चा कीजिए कि राजपूतों ने विरोध किया था पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद, गंगा जल लेके कसमें खाई थी और संगीत सोम ने और सुरेश राणा ने जम के सहयोग नहीं किया मुजफ्फरनगर में, कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन आप उस पे बात नहीं करेंगे कि राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की गंगा जल लेके सौगंध खाई थी। उसका नतीजा यह हुआ गुजरात में भी 11 सीटें हारी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन कारणों पे मीडिया नहीं चर्चा करेगी, मीडिया दोषी किसको ठहराएगी। अरे भाई मैं क्षेत्र में घुमाऊं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 6200 ओबीसी वर्ग के शिक्षार्थी उत्तर प्रदेश में, जहां मैं बैठा हूं वहां से 7-8 किलोमीटर दूर इको गार्डन में 500 दिन तक धरना दिए हैं, उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। वो एक मैसेज गया, सिपाही भर्ती की परीक्षा 6 साल बाद आती है, वो परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। क्या होम मिनिस्ट्री किसके पास है, गृह मंत्रालय कौन है, गृह मंत्री कौन उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ है। और सबसे ज्यादा नाराजगी उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद फैली है। अखिलेश यादव ने बार बार कहा था कि लगभग 60 लाख परीक्षार्थी हैं, हर परीक्षार्थी 6 साल से इस परीक्षा का वेट करता, पेपर लीक हो गया और आपने क्या किया, 6 साल बाद परीक्षा होती है और आपने क्या किया, परीक्षा लीक होती है 17 और 18 फरवरी को, आप 3-4 दिन बाद उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन प्री एग्जाम की डेट आप देते हैं चुनाव के बाद। आप चुनाव टाल देते, आपकी नीयत साफ होती, आप 16 मार्च को इलेक्शन की डेट आई उसके पहले आप एग्जाम करा देते। नहीं, नतीजा क्या हुआ कि अगर पिछली लोकसभा की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लगभग 52% वोट मिला था, 52%, जो इस बार 2024 के चुनाव में घटकर 41.9%, लगभग 10% भाजपा गठबंधन का वोट शेयर घटा है। क्या पेपर लीक पुलिस विभाग केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के पास है? आप समझिए इस बात को। ये रिस्पॉन्स जो बता, अगर हर चीज में अच्छी चीज होगी तो योगी को की ताली बजेगी, योगी को ताली मिलेगी, कुछ चीज गलत हो जाए तो बलि का बकरा बना देगी मीडिया केशव मौर्य को, स्वतंत्र देव सिंह को। प्रदेश में बिजली नहीं मिल, कई जगह लगातार जब से चुनाव खत्म हुए हैं कई जगह रात रात भर बिजली नहीं रही है। कौन है बिजली विभाग का मंत्री, अरविंद कुमार शर्मा। तो ये एक नया तरीका आ गया है। अरे भाई साहब, जो अनिल तिवारी ने लिखा है कि गुटबाजी की बात मत कीजिए और फालतू की पीआर एक्सरसाइज बंद कीजिए, इस पे सुनिए। ब्रिजेश सिंह ब्रिजेश बड़े अच्छे पत्रकार हैं, गजब लिखा है उन्होंने। आज उन्होंने लिखा है कि कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता छोड़िए, उन्होंने तो मतदाताओं को गुलाम समझ लिया।
बड़ी भूल भूल कर दी साहब लोगों ने। अब बताइए, अब मतदाता को भाजपा के लोगों ने, अधिकारियों ने गुलाम समझ लिया, और इतना ज्यादा, ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन है, मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले प्रमुख सचिव थे, अपर मुख्य सचिव है, 7 साल उस पद पर बरकरार है। एक साहब है, वो 5 साल तक 17 से लेकर 22 तक नौकरी किए, कई महत्वपूर्ण पद पर रहे, उसके बाद रिटायर होने के बाद वो 2 साल से लगातार सलाहकार है। दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर हुए, रिटायर होने वाले, तो उस दिन से उनको स्पेशली बना के भेज दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य सचिव। 2.5 साल से भाई साहब उत्तर प्रदेश में वो मुख्य सचिव है, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। ये तो हुआ मुख्य सचिव का। अब आता हूं डीजीपी। 30 अगस्त 2022 के बाद से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी, 30 मई माफ कीजिएगा, ये मई 2022 से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं, गृह विभाग पुलिस का महकमा, कार्यवाहक डीजीपी संभाल रहे हैं काम। और मई 2022 में तब मुकुल सिंघल जो डीजीपी थे उनको हटाया गया, और उसके बाद पहले डीएस चौहान रहे कार्यकारी, उसके बाद उनके जाने के बाद डीएस चौहान के बाद बने कुछ दिनों के लिए, 2 महीने के लिए आरके विश्वकर्मा को बनाया गया, फिर 7-8 महीने के लिए विजय कुमार जी को डीजीपी, वो भी कार्यवाहक रहे, और अब प्रशांत कुमार जी को जनवरी के बाद से कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया है। ये प्रतिबद्धता है, सही लिखा है पत्रकार विजय सिंह ब्रजेश ने, कि इन लोगों ने जनता तक को अपना गुलाम समझ लिया। साहब ये लोकतंत्र है, जनता के नौकर, जनता के सेवक हैं नेता, और अधिकारी तो अधिकारी कौन है, ये जनता के टैक्स के पैसे पे ये इनको तनख्वाह मिलती है, ये भी जनसेवक ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हारे हैं चुनाव, तो कबूल कीजिए कि जी हाँ हमने गलती की है। सबसे अच्छा लगा सुनने में आया देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने शायद चिट्ठी लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पद छोड़ रहा हूं, इस्तीफा देने की पेशकश की। क्या यूपी में ऐसी पेशकश आप उम्मीद कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में कहा था, मैं तो सनातन धर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। अरे योगी जी, वो तो बाद में छोड़िएगा, पहले ये इस तरह की जो गुटबाजी जो चल रही है कि हार का ठीकरा, आप विचार कीजिए कि ओबीसी समाज, ये सिर्फ ओबीसी समाज ने वो आपको नहीं छोड़ा है, आपको युवा आपसे नाराज हुए हैं, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आप जाके देख लीजिए मीडिया फुटेज, अखिलेश और राहुल की रैलियों में कितनी ज्यादा भीड़ युवाओं की होती थी, आपने उनको रोजगार नहीं दिया, इसलिए युवा नाराज हो गए। और कितनी बड़ी बड़ी मार्जिन से आप हारे हैं, सोच लीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, दोनों का वोट शेयर मिला के 37-38% था। इस बार बसपा नहीं लड़ी सपा के साथ, सपा और कांग्रेस लड़ी, सपा का वोट शेयर लगभग 33.8% और कांग्रेस 9.5% है। तो इस चीज को आप समझिए, मेन मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए। और जो भी लोग ये मीडिया में इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुबह से कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, एक नाम और चर्चा में है, कोई लोग नहीं लेता, मैं ले रहा हूं खुल के, सुनील बंसल की भूमिका भी को का भी काफी नाम आ रहा है, कि सुनील बंसल जो संगठन मंत्री रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई लोगों को गलत टिकट दिलवाया है। तो टिकट दिलवाने में क्या केशव मौर्य की भूमिका थी भाई? क्या केशव मौर्य ने तय किया था कि नीरज त्रिपाठी लड़ेंगे प्रयागराज से चुनाव? क्यों राजा भैया ने बोला कि हमने अपने समर्थकों को बोल दिया कि जो जिसको चाहे वो उसको वोट दे दे, राजा भैया क्यों नाराज हुए, जिसकी वजह से अब 2-3 सीटें हार गए, प्रतापगढ़ कौसाम्बी। हाँ, परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, किसी नए आदमी को टिकट नहीं दिया जा सकता है,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश में और बाहर राज्यपाल भी रहे, त्रिपाठी जी के बेटे अब स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी मौत पर उनके बेटे को अपने टिकट दे दिया। रीता बहुगुणा जोशी जो वर्तमान सांसद, उनका टिकट क्यों काटा गया? अगर उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है तो जगदम्बिका पाल को टिकट क्यों दिया गया? तो देखिए मुद्दों को, ये जो पूरा खेल चल रहा है, मैं लगातार मैं बोल रहा हूं, ओबीसी समाज बड़ी ज्यादा दुखी था। ओबीसी समाज ने, ये ओबीसी समाज भाजपा को छोड़ के चला गया था जब कल्याण सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, 1999 में, तब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिरना शुरू हुआ, कल्याण सिंह छोड़ के चले गए थे। और 2002 के विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1991 के बाद पहली बार 100 के नीचे आई थी। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पूर्ण बहुमत पाया और तीन बार के चुनाव में 176-180 का आंकड़ा रहता था भारतीय जनता पार्टी का। कल्याण सिंह के साथ, कल्याण सिंह को हटाया गया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी आ गई 87 पे। ठीक है, बाद में कल्याण सिंह आए, लेकिन वो ओबीसी तबका जो गैर यादव ओबीसी था वो छटक के चला गया, पहले बहन जी के साथ, तो बहन जी को 2007 में बहुमत मिला, फिर वो कुछ तक अखिलेश यादव के पास गया, 2012 में अखिलेश यादव सपा को बहुमत मिल गया। आप, असली कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण अग्निवीर रहा, पेपर लीक रहा, और दूसरा ओबीसी समुदाय को, लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके नेता, आपने स्वतंत्र देव सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया, कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता थे, जल शक्ति मंत्रालय दे दिया, स्वास्थ्य विभाग दिया था आपने, आपने पीडब्ल्यूडी दिया था, आपने परिवहन मंत्री बनाया था उनको, केशव मौर्य को कौन सा विभाग दिया, ग्रामीण विकास दे दिया साहब। तो इस तरह की जो खेमा इन मीडिया खबरों के पीछे है वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहा है। इस हार की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से भाजपा के, उत्तर प्रदेश की हार के लिए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल, भूपेंद्र जो जो प्रभारी हैं, उसके अलावा तब नाम आता है कहीं केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह का, वो बिना मतलब का। जो केशव मौर्य शाक्य बिरादरी में आपका कौन सा नेता है, कुर्मियों में एक नेता आपके पास स्वतंत्र देव सिंह है, उनको कितना सम्मान आप दे रहे हैं? तो व्यर्थ की मीडियाबाजी ना करें। और जहां जनता नाराज है, अग्निवीर पे बोला है आपको सहयोग दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, बिना सर समर्थन दिया, लेकिन क्या बोला है, अग्निवीर योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए। तो अग्निवीर जैसी स्कीमों को रोकिए, पेपर लीक रोकिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। और एक बात चलते चलते बता दूं, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने कहा था, तमाम चैनलों पे था, कि पुलिस का सिपाही अपने आप को डीजीपी समझ रहा है, पुलिस को जरूरत से ज्यादा अधिकार योगी सरकार में मिल गया है, पुलिस प्रशासन की जो मनमानी है, जिसकी वजह से एक ट्वीट और किया था कल ब्रिजेश सिंह ने, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जो सफलता मिली है विपक्ष को, उसमें एक अधिकारी की भी बड़ी विशेष भूमिका रही है। देखिए तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे अयोध्या के लोग रोते दिख जाएंगे। वही हाल बनारस में हुआ, हारे नहीं है लेकिन हार गए हैं। जिस लोकसभा सीट को अब 4,70,000 वोटों से जीते थे, वहां 1,50,000 से जीतना मतलब प्रधानमंत्री मोदी वहां से हार गए हैं। खैर, मैंने आपसे वादा किया है, मैं कोशिश करूंगा उत्तर प्रदेश की हर घटना का दोनों पक्ष आप तक पहुंचा सकूं। रिपोर्ट अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, कोई कमी हो तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।